आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 16, पैसा पैसा। तो क्या है कि पैसे के लालच में ही इंसान एकदम स्वार्थी होता जा रहा है, लालची बनता जा रहा है। उसके अंदर कोई भी क्या है, जरा सा भी दिल नहीं है कि वो पैसे को लेकर कितना स्वार्थी और लालची हो गया है कि पैसे की माया लोगों पर इस तरह से छा गई है कि लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं। गलत सही सच झूठ क्या चोरी डकैती सब कुछ भूल गए हैं। तो आइए इस पार्ट में बच्चों देखते हैं कि पैसे के लिए लोग किस तरह से अंधे होते जा रहे हैं, पैसे का लालच लोगों पर किस तरह से दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है। तो आइए इस पार्ट में देखते हैं। पाठ उद्देश्य: मातृभूमि एवं प्रकृति का सम्मान, परोपकार तथा सहयोग भावना की सीख, परिश्रम का सम्मान, श्रमिक के अधिकारियों के प्रति सजग एकता में बल। इस पाठ का यही उद्देश्य है। आज प्रवेश बढ़ती धन लोलुपता व्यक्ति को हृदयहीन और स्वार्थी बना रही है। पैसे की दौड़ में वह अनैतिक कृत्य करने में संकोच नहीं करता। इस निबंध द्वारा आचार्य विनोबा भावे श्रमिकों को उनका सत्ता हक दिलवाने के साथ साथ शहरी लोगों को जमाखोरी जैसे अमानवीय कृत्य से बचाने की सीख देते हुए आपसी सहयोग से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी जो है आपसी सहयोग के द्वारा यानी एकता के साथ काम करने पर बल देते हैं कि जिससे क्या है श्रमिकों को उनका सच्चा हक हाँ दिलवा सकें। तो आइए अपने पॉइंट पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की जमीन में इतनी ताकत है कि वह हमें भूखा नहीं रख सकती है। तो ये सच है बच्चों कि हमारे हिंदुस्तान की जमीन में सच में इतनी ताकत है कि कभी किसी को भूखा नहीं रख सकती। यहाँ गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी जैसी अच्छी अच्छी नदियां हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, अनाज है, फल तरकारियां मेवे सब कुछ है, क्या नहीं है? तो ऐसा क्या नहीं है जो हमारी धरती माँ ने हमें नहीं दिया है? परमेश्वर ने कितनी उत्तम उत्तम देने हमें दी है। उसमें हमें दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, हृदय दिया है, उसमें हम पर कितना प्रेम बरसाया है। तो परमात्मा ने हमें कितनी चीजें दी हैं, हमें दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, हमें पूरा शरीर हमारा इस तरह से बनाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें बुद्धि दी है, हमें हृदय दिया है जिससे हम किसी को भी कितना प्रेम कर सकें। हम पर कितना उपकार किया है, कमी किस चीज की है, लेकिन बीच में हम लोग भूल गए और पैसे के बहकावे में आकर भगवान का नाम लेने के बदले पैसे का नाम लेने लगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग पैसे के इस मोह जान में आकर, इस बहकावे में आकर लोग प्रभु का नाम लेना ही भूल गए हैं। तो ये गलत है। हमें पैसों की लाभ लालच में आकर क्या है कि हमें उस प्रभु का नाम लेना ही नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हमें इतना सब कुछ मिला है। इन दिनों तो यह होता है कि कोई पड़ोसी की भी सेवा करता है तो पैसे मांगता है। तो आज के समय में जमाना इतना खराब हो चुका है कि अगर कोई किसी पड़ोसी की थोड़ी सी सेवा भी करता है तो उसके लिए भी पैसे मांगता है। बीमार आदमी डॉक्टर से औषधि मांगता है तो डॉक्टर भी उससे पैसे मांगता है। पहले ऐसा नहीं था। गांव का बड़ा ही हर किसी के घर जो काम निकलता था वह कर देता था, पैसा नहीं मांगता था। पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब भी गांव का बड़ा ही या कोई भी किसी के घर पर कोई काम निकलता था तो वो कर देता था, लेकिन पैसे नहीं मांगते थे। साल के अंत में जब फसल होती थी तब हर किसान फसल का एक हिस्सा बड़े के घर पहुंचा देता था। इसी तरह गांव के लोहार, वैद्य, शिक्षक आदि गांव की सेवा करते थे और उन्हें फसल का हिस्सा मिल जाता था। तो पहले जमाने में क्या होता था कि जो वैद्य लोग थे, शिक्षक थे, बढ़ई थे और लोहार, ये सब लोग भी तो गांव के लिए सेवा करते थे, उनके बदले उन्हें पैसे नहीं मिला करते थे। तो जब भी किसान की फसल होती थी साल भर में तो वो फसल का एक एक हिस्सा इन सब के घर भिजवा दिया करते थे। तो पहले पैसों का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन आज पैसे की लोभ लालच में आकर दुनिया बहुत ही स्वार्थी हो गई है। किसान के सुख दुख में सबका सुख दुख रहता था, लेकिन इन दिनों हर कोई हिसाब करके पैसे मांगता है। लेकिन आज का समय कैसा आ गया कि हर कोई हिसाब किताब में केवल पैसे मांगता है। लेकिन पहले जिस तरह चलता था उससे गांव सुखी था। गांव में जमीन का कोई मालिक ना रहे, जमीन सबकी हो जाए, सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की सेवा करें तो सभी सुखी होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। किसी की अलग से कोई जमीन नहीं होती थी, कोई मालिक नहीं होता था, सभी की जमीन होती थी, सब मिलजुल कर काम करते थे और सभी सुखी रहा करते थे। किसी खेत में कोई काम निकलेगा, कहीं कुआं बनना होगा तो सब लोग मदद को
दौड़ पड़ेंगे। किसी के खेत में कम फसल होगी तो सब लोग उसे अपनी फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे। जब हम इस तरह गांव को परिवार बनाकर रहेंगे तो भगवान खुश होगा। तो इस तरह से क्या था कि पहले लोग अपने गांव को ही एक परिवार की तरह रहते थे, अपने गांव को ही परिवार बनाकर रहते थे। इनसे क्या है, भगवान भी खुश होते हैं। अंग्रेजों की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ, राजा महाराजाओं की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ। अब छोटे छोटे मालिक भी अपनी मिल्कियत छोड़ दे और परमेश्वर की भक्ति में लग जाए, ये कोई जबरदस्ती से करने की बात नहीं, परस्पर प्रेम से और एक दूसरे को समझा बुझाकर करने की बात है। जब अंग्रेजों की मिल्कियत यहाँ से गई तब भी भगवान खुश हुए, जब राजाओं महाराजाओं की मिल्कियत यहाँ से गई तब भी भगवान खुश हुए। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे मालिक बने हुए हैं वो भी अपनी मिल्कियत छोड़ दें तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो क्या यही कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, सबको प्रेम भाव से इस काम को करना होगा, एक दूसरे को समझा बुझाकर ये चीजें करनी होगी। आज कुछ जमीन के मालिक बन बैठे हैं, बाकी सब मुठियां मजदूर हैं, लेकिन ये जो मुठियां हैं वे ही मूल है, वे ही बुनियादी है, वे काम करते हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी। इसलिए हम जिन्हें मुठियां कहते हैं उनका भी जमीन पर उतना ही हक है जितना मालिक कहलाने वाले लोगों का है। तो जो लोग आज जमीन के लोग मालिक बन गए हैं और जो लोग मजदूर उसमें काम करते हैं ये मूल है और उनको मुठियां कहते हैं, तो उन मुठिया लोगों का भी उस जमीन पर अधिकार है क्योंकि वे ही उस पर काम करते हैं, तो मालिक कहलाने का हक उनका भी है। गांव गांव जाकर हम यही बात समझाते हैं कि तुम सब एक हो जाओ और मिल बांटकर खाओ, सब मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की सेवा करो। भगवान ने हमें काम करने के लिए दो बात दी है, फिर मुश्किल क्या है। भगवान ने हमें एक छोटा सा मुंह दिया है, अगर रावण जैसे 10 मुंह दिए होते तो हमारी क्या हालत होती। तो क्या है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, फिर इसके बाद हमें क्या मुश्किल है, एक मुंह दिया है, लेकिन अगर रावण जैसे 10 मुंह दे देते तो हमारा क्या हाल होता। पर भगवान ने हमें 10 मुंह वाला राक्षस नहीं बनाया, लेकिन ये शहर के लोग राक्षस होते हैं। वे अपने पास 10 लोगों का अनाज रख लेते हैं, उनको धन का इतना लोभ होता है कि उसका ढेर जमा करके रखते हैं, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या करते हैं वो कि इतने सारा 10 लोगों का अनाज जमा करके रख लेते हैं और क्या है, इतना एक दिन इनको इतना लोभ होता है कि इतना अनाज इतना सब कुछ एकत्र करके रख लेते हैं, ढेर जमा करके रख लेते हैं और एक दिन दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और सब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसको इस्तेमाल करती है, वो खाते रहते हैं। अगर हम इसी तरह चलेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे, अगर यही प्रोसेस चलता रहा, यही सब चीजें चलती रही तो लोग कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। जब हम अपने हाथों से काम और दूसरों की सेवा करेंगे तभी सुखी होंगे, जब हम अपने हाथों से दूसरों के लिए कुछ करेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। अपने हाथ से किसी के लिए किसी की सेवा करेंगे, किसी के प्रति दया दिखाएंगे तभी हम सुखी रह पाएंगे। लेकिन आज तो हम अपने हाथों का उपयोग छीनने में करते हैं, जबकि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथों का उपयोग केवल छीनने में कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ करना तो दूर की बात है, पर किसी से छीनने के लिए तैयार रहता है। तो आज का युग ऐसा ही आ गया है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता तो कि गलत है, बल्कि दूसरे ऐसे छीनने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी के दो हाथ है और हमारे दो हाथ, तो क्या है कि अगर सामने वाले के दो हाथ है तो आपके भी दो हाथ हैं, वो जैसे कमा रहे हैं या जैसे जो कुछ उनके पास है वो आपके पास भी है। तो इसीलिए कभी किसी से घृणा या मन में बैर नहीं होना चाहिए, पर किसी को देखकर हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर उसके दो हाथ और हमारे दो हाथ मिलकर काम करेंगे तो सबको खाना मिलेगा, लेकिन आज हमारे दो हाथ उसके दो हाथों को काटते हैं और उनके उसके दो हाथ हमारे हाथों को, इसलिए सब दुखी है। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि पहले समय में क्या होता था कि सब इंसान मेरे दो हाथ हैं और इसके भी दो हाथ हैं, चार हाथ मिलकर काम करेंगे तो सभी लोगों को खुश रख पाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर सामने वाले के दो हाथ हैं तो एक दूसरे के आपस में हाथ काटने को तैयार रहते हैं कि, और इसी वजह से कोई भी सुखी नहीं रह पाता। तो सब सुखी दुखी है, सब दुखी है इसी वजह से, क्योंकि क्या है कि सब एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं, कोई किसी को देखकर खुश नहीं रह पाता है, सब एक दूसरे की तरक्की से चलते हैं, तो ये गलत है। इसी से हम आपको समझाते हैं कि आप एक बन जाइए। तो यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे द्वारा द्वारा लिखा गया नाटक है,
इसमें वो यही समझाना चाहते हैं कि आप सभी एक हो जाइए, सभी एकता के सूत्र में बनकर काम कीजिए। कभी किसी के लिए कोई घृणा पाप छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में ऐसा भाव होगा तो क्या है कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें क्या है, हमें खुद भी खुश रहने की का प्रयास करना चाहिए और सामने वाले को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें एकता के सूत्र में बनकर सभी को काम करना है। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, सभी के प्रति सेवा भाव हमें दिखाना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो अपने नए क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।